हाय, दिस इज अद्दान 07 और आप मुझे देख रहे हैं वायरल बॉलीवुड पे। देखते रहे, स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स। बहुत ही मज़ा आया और एकदम जल्दी जल्दी ये सॉन्ग शूट हुआ है। सुबह थोड़ा जल्दी उठना पड़ा था, अर्ली मॉर्निंग से शूट स्टार्ट हुआ था और सनसेट से पहले ख़त्म करने का था, तो मस्ती भी कर रहे थे उसमें, टिकटॉक वीडियोज़ भी बना रहे थे और बहुत हालत भी ख़राब हो जा रही थी सबकी। फिर भी सबको प्री वर्कआउट पिला पिला के, कॉफ़ी पिला पिला के सब में पावर ला रहा था मैं और शूट करे। फिर शूट कंप्लीट हो गया सनसेट से पहले। जैसे कि हमने सॉन्ग में देखा, आपने बहुत सारा मस्ती कर रहे थे और स्टेप्स नए स्टेप्स कर रहे थे, तो क्या कुछ प्रैक्टिस किया आपने? कुछ भी नहीं प्रैक्टिस किया, वो जगह पे सब मैं कोरियोग्राफ किया था। जो मेरा रैपिंग का सेक्शन था वो सब मैं जगह पे कोरियोग्राफ किया था। ओके, तो ऑलमोस्ट सब टिकटॉक स्टार्स थे, कैसा था एक्सपीरियंस वर्किंग? सभी बहुत अच्छे हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है और सब में वो जज्बा है कि नहीं करना है, मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से सब काम किए, बहुत अच्छा लगा। कुछ नहीं, सभी बहुत खुश थे और सबसे मेरे ग्रुप वाले तो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए और जैसे ही देखे सॉन्ग तुरंत जल्दी से स्वाइप अप डालने लगे। सब जन शेयर किए, फैसल, फैज, शादान, असनैन। असनैन तो जयपुर में, आज वो लॉन्च में आ नहीं पाया। फैसल, फैसू लोग ऑन द वे हैं, उन लोग सब पहुँचने वाले। ओके, तो आप कितना एंजॉय करते हैं होली को, किस तरह मनाते हैं? अगर ये फर्स्ट टाइम था मेरा, इससे पहले ऐसे कभी मैं होली खेला नहीं था, ये फर्स्ट टाइम था और बहुत डरता था मैं रंग से। हो गया शूट। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग। होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप लोग को, और संभाल के होली खेलना, आँख वाँख में रंग मत डालना और ये गाने पे टिकटॉक बनाना। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि लास्ट बहुत सारे फैंस आपको मिस कर रहे, जो टीवी पे बहुत मिस कर रहे, टेलीविजन में मिस कर रहे हैं, सब के बाद, तो क्या कुछ आगे कुछ आने वाला है आपके प्रोजेक्ट और कोई वीडियो आने वाला है, थोड़ा बता? अभी तो कुछ प्लान नहीं है, कुछ भी ऐसे रहेगा तो मैं आप लोग को अपडेट देते रहूँगा सोशल मीडिया पे, जैसे कि मैं अपडेट देते रहता हूँ, तो मेरे सोशल मीडिया से आप लोग अपडेट रहो। और ऐसे भी लॉन्च पार्टी तो आए दिन होते रहती है, तो आप लोग को पता चल जाएगा ऐसा कुछ रहेगा तो। कुछ भी नहीं ध्यान दे रहा हूँ मैं, ध्यान नहीं दे रहा हूँ तो ये हाल है, सोचो ध्यान दूंगा तो क्या होगा, इसलिए मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ। ज़्यादा ध्यान दूंगा तो फिर ज़्यादा बॉडी बन जाएगी, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं कहता नहीं, मैं आ रहा हूँ। देर बाद सब वो आई रहे ना, उसका खत्म कौन दे? अच्छा है, और चले चले रखा लेते हैं, चलो इधर आना है। स्टार्ट तो वो ज्वाइन कर लेगा। विजय सत्तू, सत्तू विजय भाई, क्या कर रहा है यार? पूछो मैंने सभी अभी आएगा, उसको बुला रहा जयपुर में, उसकी प्राइवेट जेट में है, वो आ रहा है ऑन द वे। अरे ऊपर ही मिलेगा किशन, यहाँ पे भी किशन बहुत फास्ट है, कहीं से भी कुछ भी नहीं जाना चाहिए। शेर तो सही में शेर दिख रहा था, आग लगा, शेर आग में लगा दे। तो शेर ने तो बहुत अच्छा किया है और पूरा शेर लुक भी आ रहा है, जो हिसाब से अंडारा बांध जो बाल रखा है भाई ने, बाल और बब्बर से गाना बहुत अच्छा लगा है, कलर भी सेम है, तो फुल डेडिकेशन लगी है भाई की खुद को डांस को लेके। थैंक यू सो मच, ये मतलब खुद ही कोरियोग्राफ किया है, बहुत अच्छा। वो रैप वाला सेक्शन था वो जगह पे, वहाँ पे मतलब ऑन स्पॉट बोल रहे थे कि मतलब जिसका भी मतलब जो भी ऐसा जो भी बेस्ट है, जो भी बेस्ट, तो इसने मतलब ऑन स्पॉट अच्छा मतलब इन्वेंट कर लिया खुद का स्टेप, तो बहुत अच्छा लगा बता रहा था। और बाकी लोग ने भी बहुत अच्छा डांस किया, तो वीडियो तो बहुत अच्छा है, मैं तो बोलूंगा इंशाल्लाह कल तक का ट्रेंडिंग जाएगा। और इसको ये भी बोलना चाहूंगा कि ऐसे शेर के स्पीड में भागते रहो। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट लाते रहे वीडियो। थैंक यू सो मच, ये सब पूरी भाई एक यूनिटी की वजह से है, टीम वर्क की वजह से है, मैं इन लोग की वजह से हूँ जो भी हूँ। सो थैंक यू सो मच टू माई टीम 307 और भी मेरे जितने भाई लोग। यो वेलकम ब्रो, और हसनैन नहीं है, हसनैन प्राइवेट जेट चल रहा है जयपुर से। अरे मालूम पड़ गया जयपुर में पूरे गाने में तो खाली होली होली उड़ी है, पिचकारी उड़ी है सिर्फ, तो पूरा होली का ही है उसमें, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मस्त है।
आप लोग भी ऐसी बात नहीं है, मतलब इंस्टाग्राम की बात है, मेहनत बहुत करते हैं ना, ये दिन डेट रहता है तो हार्ड वर्किंग तो जाएगा। मगर मैंने मतलब ऑन फैंस में अगर देखेंगे तो मैंने इंस्टाग्राम पे एक इंगेजमेंट कंपेयर किया गया था, तो उसमें मेरे थोड़े इंगेजमेंट उनसे हाई है। बाकी अगर वो तो उनकी फैन फॉलोइंग इंटरनेशनल है, तो मतलब मैं तो कहीं नहीं हूँ उनके आसपास। क्या बात है, क्या बात है। बस दुआ आप लोग की ऐसी कि मतलब ऐसा प्यार है कि सब लोग जानते हैं आज हम लोग सब। आपकी टीम का जो स्पिरिट है, टीम स्पिरिट आप लोगों के, उसकी खासियत क्या है, मतलब इतना मतलब टीम कैसा वर्क होता है आप लोगों का? देखो ना, स्माइल देखो, सब कुछ अंडरस्टैंडिंग, बस प्यार सपोर्ट एक दूसरे को। मस्ती में नाचो, मस्ती में नाचो, इसमें हम लोग ने बहुत अच्छा डांस किया है सबसे पहली बात, और कुछ भी जगह भी सीखे, हाँ बिना प्रैक्टिस जगह पे हम लोग सब प्रोफेशनल डांसर्स हो चुके हैं अभी, और रैप भी किए हम लोग, रैप भी किए, और बस देखना है कि अब डांस का डेट फिक्स करता है गाने लॉन्च नहीं, अभी थोड़ा सा बचा है, अभी लोग सब बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल चालू है, और मेरे छोटे भाई का एग्जाम भी था अभी, आज एग्जाम, कल उसका लास्ट एग्जाम है, तो उसके बाद जो फिलर्स का थोड़ा इन लोग को रैप का फिलर्स के लिए लेना है रैपिंग का, तो वो लोग अभी याद करेंगे, फिर लोग को बड़ी बड़ी हुडी पहना के अभी थोड़ा हम लोग सब, मैं भी लोग के हाथ में थोड़ा रैप करेंगे, एडिटिंग ऑलमोस्ट आधी हो चुकी है, आधी और बची है, तो ये मंथ के एंडिंग में ही गाना आप लोग को शायद देखने को मिलेगा, और गाना बहुत ही अच्छा है। अभी तो नहीं हो पाएगा वो, आप लोग को सोशल मीडिया पे देखने मिल जाएगा, वो देखने मिलेगा, वो उसका पैसा है ना कि अगर उसको हम लोग मतलब अगर उस पर डांस भी करेंगे ना, तो थोड़ा ऐसा लगेगा कि ट्यून आ जाएगी, स्टेप में ट्यून आ जाएगी, तो वो अच्छे से दिखाएंगे वो, उसमें फैसु डायरेक्ट करेगा वो वीडियो, कौन से एंगल से शूट करना है, कहाँ पे मूव करना है कैमरा, तो वो आप लोग अच्छे से हम लोग के सोशल मीडिया पे हैंडल से देखने मिलेगा। अभी यहाँ पे करेंगे तो क्या है, अभी इन लोग जिम बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गए ना वर्कआउट करके, थैंक यू सो मच अभी भाई। मेरा एक्सपीरियंस, मैं तो एक ही दिन के लिए आया था शूट हुआ है गाना, और मुझे पता भी नहीं था, सडनली पाजी भेजे, तो गाना तो बहुत अच्छा लगा मेरे को, तो बिना डांस प्रैक्टिस जगह पे जो भी डांस प्रैक्टिस किए वो उसी दिन सेम डे की है जिस दिन शूट करने का था, और बहुत ही मस्ती की है, मस्ती करते करते शूट कर लिया, मालूम भी नहीं पड़ा कि शूट हो गया। सूरी पाजी से मेरा एक अच्छा रिलेशन है, एक बड़े भाई जैसे, वो मेरे इससे पहले भी सॉन्ग लॉन्च में आ चुके हैं, और मस्ती में नाचो जो मेरे भाई का सॉन्ग आने वाला है उसमें भी को प्रोड्यूसर है, सो इसलिए ये गाना मेरे को बोले कि तू करेगा तो अच्छा रहेगा, तो फिर बड़े भाई है बोले, तो फिर मैं ये नहीं, मैं सडनली मेरे को एक दिन पहले गाना भेजे, बोले कि 3 दिन बाद शूट है, और उसके जिस दिन गाना शूट किया उस दिन, उसके एक दिन पहले भी कुछ तो फैसों की पार्टी थी, 10 मिलियन की, 10 मिलियन की पार्टी के पास नेक्स्ट डे शूट हुआ, शूट के बाद तुरंत उसी दिन अगले अर्ली मॉर्निंग में गोवा गया था, तो 3 दिन में कंटिन्यू
नहीं सो पाया था वो ये गाने के शूट के लिए। सॉन्ग तो एक स्टेप है, उसके बाद एक और स्टेप है, तो धीरे धीरे इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते ही जा रहा हूँ। आप लोग की दुआ, ऐसी प्यार, आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो अभी सॉन्ग है, फिर आगे वेब सीरीज़, फिर इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। मैं तो देख रहा हूँ, मेरे को तो कमेंट्स पे आईडी लवर्स तो कमेंट्स भर ही डाले पूरा, इतने बड़े बड़े कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमेशा की तरह आप लोग अपना प्यार इतना दिखा रहे हो, सो थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। और ये मेरा अलग रूप देखे, जैसे कबीर सिंह में इंटेंस, फिर सब अलग अलग जॉनर में। अभी ये जैसे फन सॉन्ग था एकदम, अब इसके बाद एक और है, वो थोड़ा रैप सॉन्ग है, उसमें टीम 07 है, तो उसके लिए भी सब लोग एक्साइटेड है बहुत ज़्यादा। और पाजी कैसे हो, कैसा दिख रहा हूँ? मैं इससे पहले कभी रंग से ऐसे कुछ होली कभी नहीं खेला, ये शूट था तो पहले तो बहुत डरता था कि आँख में कुछ लगेगा ये, पर ये सॉन्ग शूट करते करते होली भी खेले और पता भी नहीं चला कि कब शूट हुआ, शूट कर रहे थे कि मस्ती कर रहे थे। वो तो मिलते रहते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और एडी लवर्स का तो प्यार तो देखने ही, खाली बस यहाँ से एक पोस्टर यहाँ पे वायरल हो रहा है, अगर सोशल मीडिया पे गलती से कोई पोस्ट कर दे रहा है तो इतने सारे पेजेस पे और इतने सारे यूट्यूब पे सब दिख रहे, सब वीडियोस उसी चीज़, एक पर्टिकुलर चीज़ का, इससे पता चल रहा है कि कोई भी एक चीज़ को लेके कितना हम लोग के एडी लवर्स, जो हम लोग की फैमिली है सोशल मीडिया की, कितनी स्ट्रांग है और कितनी एक्साइटेड हो जाती है हम लोग की कोई भी चीज़ को लेकर। थैंक यू सो मच। सर इधर आ जाओ। We need Tapsi for that. Yeah, we do. I like this one. Thank you. Well, I'll let the choreographer speak first. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, इट वॉज़ माई फर्स्ट टाइम वर्किंग विद टिकटॉकर्स एंड इट वॉज़ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा वीडियो निकाला है, बहुत मेहनत की है, आनंद हैज़ डन अ फिनोमिनल जॉब और राज सर भी बहुत बहुत सपोर्टिव रहे हैं थ्रू आउट द प्रोसेस एंड वी होप कि आपको बहुत बहुत अच्छा लगे गाना और आप उसको बहुत सारा प्यार दो और शेयर करो उसे एंड गिव अस लॉट्स ऑफ लव बेसिकली। वेल फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एनर्जी के बारे में बोलना चाहूँगा, जैसा आप लोगों को वीडियो देख के लगा होगा, द एनर्जी वॉज जस्ट अमेजिंग एंड आई थिंक राज सर और आनंद सर ने ये स्टार्टिंग से ही मेक श्योर किया था दैट एनर्जी सेट पे जो रहे वो इधर एंड देन वी एंजॉयड अवरसेल्फ्स वेरी मच। आई एम श्योर यू गाइस सी ऑन द वीडियो।
experience. Oh yes, definitely, definitely. I'm looking forward for this song to actually enjoy it on Holi, you know. So yeah, it was great. हमने बहुत होली खेली है song के time पे. बहुत ज़्यादा. काफी कपड़े बदले हैं. Shoot के time पे choreographers, directors ने भी. तो बहुत भीगे हैं हम लोग. और actually होली ही खेली है. To get that vibe, to get the feel of the song. हम सभी होली खेल रहे थे set पे. तो it was a lot of fun. Yeah, it was. Trick question. That's a trick question. It was, I think when बहुत सारे artists होते तब थोड़ा difficulty होता है पर बहुत सब बहुत supportive थे और process बहुत easy हो गया था eventually. हम सब friends बन गए थे और मस्ती कर रहे थे set पे तो it was more कि हम party कर रहे हैं और साथ साथ में shoot कर रहे हैं instead of सिर्फ यू नो एक प्रॉपर शूट हो रहा है और अरे ये करो वो करो तो वो सब नहीं था. इट वाज वी वर हैविंग फन और उन लोगों ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है जो सिखाया गया था और बहुत मस्ती करी है विच इज़ व्हाट द सॉन्ग इज़. होली है, रंग लगाओ एंड एंजॉय योरसेल्फ. दैट्स व्हाट वी वर ट्राइंग टू पोर्ट्रे. देसी के साथ इट वॉज़ ब्रिलियंट क्योंकि राज सर स्पेशली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है. वो हमें अपना काम करने देते हैं, वो क्रिएटिवली आइडियाज़ लेते हैं और इम्प्लीमेंट भी करते हैं. तो इट वॉज़ अ लॉट ऑफ फन टू वर्क विद देसी एंड आई होप आई डू अ लॉट मोर वर्क विद देम इन द फ्यूचर एंड यू सी अ लॉट मोर वर्क फ्रॉम आवर साइड इन द फ्यूचर. देसी हैड दिस फ्रॉम द स्टार्टिंग के वो हमको फ्रीडम दे रहे थे डिफरेंट चीज़ें ट्राई आउट करने का एंड इवन हर शी हैज़ बीन अ कमेंडेबल कोरियोग्राफर ऑन द सेट एंड आई जस्ट लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद दैट अगेन. इट वाज अ ग्रेट सेट डेफिनेटली. जाने दो गाइस वरना मैं पहले विजुअल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा एंड बहुत मज़ा आया. हाँ, शूट जैसा ही फील नहीं हो रहा था हमें. इट वॉज अ ग्रेट टाइम. इट वॉज अ ग्रेट शूट एंड टीम वर अमेजिंग. और सब लोग इतने प्यार से ट्रीट कर रहे थे बहुत ही ज़्यादा एंड गीले हो गए थे. हम कोई वर्क कर रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा था कि हम अपनी फैमिली के साथ बस एक होली पार्टी मनाने आए और बस हो गया. बहुत मज़ा आया. हाँ, ऐसा
से गाने में देखोगे जिस तरीके से उसका पूरा एनवायरनमेंट है, ऐसा लगेगा कि प्रॉपर होली पार्टी हो रही है। मॉर्निंग से स्टार्ट हुआ था एंड आई थिंक 11-12 बजे थे ना हमने मॉर्निंग 7 o'clock से स्टार्ट किया था और इवनिंग 7 o'clock को ख़त्म किया था क्योंकि ये होली का पूरा था तो हमें पूरा डे शूट करना था एंड हमने मलाड में शूट किया था उसके साथ काम करके मतलब ऐसा लगता है वो सबके साथ एक जैसे है, वो किसी के साथ ऐसा नहीं है कि वो यहाँ टाइम दे, वो सबको एक जैसे टाइम देता है तो एकदम फन था उसके साथ काम करना। निशा के साथ मैंने पहली बार काम किया, हम डायरेक्टली सेट पे मिले थे, सेट पे मिले थे और ऐसा फील ही नहीं हुआ कि लाइक नहीं जानते सडनली मिले और अदनान एक ऐसा था कि इतना फन था सबके बीच में कि हम सब एक जैसे एक फैमिली फील हो रहा था। अदनान को तो मैं पहले से जानती थी, मुझे बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा था काम करने में। रंग लगाया तूने ऐसा चुनरिया रंगीली हो गई, तूने भंग मिलाए तूने ऐसे हवाएं नशीली हो गई। सो थैंक यू सो मच। आवाज उधर आ रहा है, ये जो टीम है आप उसको बंद करने बोलो ना, वो बजा रहे इधर बात कर रहे हैं जो कि सॉन्ग को कंप्लीट करती है। तो मैं एक एक करके हमारे जो गाने के को एक्टर्स हैं उनको स्टेज पे बुलाना चाहूंगी। सो हमारे बीच में है सोशल मीडिया की जान जिन्होंने उड़ाड़ी है सबके प्राण, ही इज नदर देन अदनान। क्या बात है, आने दो। I want Adnan on stage. शेर आया। अरे रे रे। क्या बात है? अरे नसीमर को बात करा रहा हूँ। आनंद मैं इधर भी आ जाऊँ। ले ली है सबकी जान। I welcome यासीन पठान। हाँ। अपनी अदाओं और वो जलवों से बन गए हैं ये टिकटॉक की असली वुमेन आई निशा गुर्गे। ओ ओ ये हाँ निशा अभी नाम याद आ रहा है इसका। इनकी ब्लॉगिंग और मॉडलिंग बड़ी ही फेमस है लाइक द फैमिली पिक्चर। प्लीज वेलकम मुन्ना गौचर। आप सबसे निवेदन है कि इतना प्यारा सॉन्ग है तो तालियां थोड़ी बजे ताकि हमें भी लगे आप सबका प्यार मिल रहा है हमें। बैकग्राउंड में साउंड ऑडियो बंद करो। फ्रॉम मुंबई टिल वर्मा प्लीज वेलकम दीपांशु वर्मा। यहाँ पे अब हमारे बीच में कुछ मतलब होते हैं ना स्टार्स, वो ज्यादा टाइम लगाते हैं क्योंकि आज दिन ही ऐसा है
तो सना, दानिश और आमिर वो हमारे अभी बीच में नहीं है, बस कुछ देर में आपसे जुड़ेंगे। एंड तब तक ये जो पूरी टीम है, रंग लगाया तूने ऐसा, मैं बस इतना बोलना चाहूंगी कि ये आप सबकी दुआएं हैं कि गाना ऑन एयर आया है, एंड आप सबका प्यार है कि बहुत ही ज्यादा बेहतरीन और बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है। तो अब मैं पूछना चाहूंगी ये जो हमारे बीच में जब मुलाते सितारे हैं कि उनको कैसा लग रहा है। ओके, आगे आ जाइए अदनान भाई, बस बस थोड़ा जोर से ऑडियो, ऑडियो साउंड प्लीज, साउंड प्लीज। आवाज नहीं आ रहा है, थोड़ा और आवाज। काफी अच्छा लगा मुझे सबके साथ काम करके, बहुत मजा आई। प्लीज इसको बोलते हैं आवाज, अरे आग लगा दी तेरी। बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि मैं अदनान, सना, दानिश एंड सबके साथ काम किया, और फर्स्ट टाइम मैंने यास्मीन के साथ काम किया एंड ये बहुत ही अच्छे हैं। और सबसे पहले थैंक यू बोलूंगी मैं सूरी पाजी का कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि इस सॉन्ग में लिया, एंड बहुत अच्छा लगा। और अन्ना ने मुझे इतना परेशान किया, बहुत ज्यादा, क्या बात है, बहुत ज्यादा परेशान किया। इसलिए अपलोड नहीं हुआ। और मुक्का पानी, पूरा पानी मेरे ऊपर फेंक दिया। ओ नहीं, वो तो होली का सॉन्ग था तो सही बात है, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा। और यासमीन के ऊपर भी बहुत अच्छा लगा, लगी लिया था और बहुत मजा आया। ओके थैंक यू। सो जैसा कि आपने देखा कि कितने एक्साइटेड है ये लोग, एंड मैं चाहती हूँ कि ये तो इनका एक्साइटमेंट लेवल है उससे 100-200% आपका एक्साइटमेंट लेवल रहे, क्योंकि अगर आपका प्यार रहेगा तभी ये गाना जो है एकदम बहुत ही ज्यादा उम्दा और बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। तो मैं चाहती हूँ अभी बस मोमेंट में हम यहाँ पे ये भी प्ले करेंगे एंड आप देखेंगे कि ये गाना क्या है। ये हमारा एक टोकन ऑफ कलर है क्योंकि होली आने वाली है, सुरम पर से एंड रंग लगाया तूने ऐसा। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, चलो जी। एंड आनंद जी, मैं चाहूंगी कि आप स्टेज पे आए प्लीज। हाँ मिला मिला। तो यहाँ पे हम लोग का सॉन्ग अभी प्ले होने वाला है, और सूरी पाजी टीम, पूरी टीम मैं चाहता हूँ यहाँ पे आए, और आमिर भी है यहाँ पे, सब जन आए मैं चाहता हूँ। अरे गाना मत प्ले करो यार, कॉपीराइट आएगा हमको, पूरा कॉपीराइट आके उड़ जाएगा अभी। नेट स्लो चल रहा है। ओके भाई, टेक्निकल डिपार्टमेंट। अरे विनय कुछ बोल रहे, सुन लो जरा। नहीं होएगा भाई, होएगा, आराम से सबर करो। ऐसा बोले, ऐसा बोलेंगे अभी अदनान भाई।
प्लीज आइए। ओम नमः शिवाय। तो जब तक कि सारी बाकी टीम आ गई है, यहाँ पे जो बंदे हैं उनसे ही पूछ लेते हैं कि उनको मतलब कितना मजा आया। बीट्स, धुन, कुछ मतलब बहुत ही अलग था, तो ये कैसे बनाया आपने? हाली चुनी है, रोज होली अभी आने वाली है। एंड ये जो होली का आइडिया हमें मिला, इसका जो क्रेडिट मैं देना चाहूँगा मिस्टर राजसूरी जी, मतलब कि सडनली रात को 1:30 बजे के बाद मुझे कॉल आया कि ओम भाई होली गाना बजा। आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर राज। मेरा भी हेलो, ऐसा है इतने टैलेंटेड है ये बच्चे हमारे। दीक्षांत क्या है, शिवाय सलमान सर की हर फिल्म में इनका गाना होता है, और वो दीक्षांत एक बहुत ही उभरते हुए म्यूजिक डायरेक्टर है, और हम लोग 2 साल से बहुत मेहनत कर रहे हैं, और ये साल 2020 हमारे मिनिमम 20 गाने आएंगे ओम और दीक्षांत ज़्यादा ब्यास। तो इनको हम लोग रात को 1:30 बजे फोन करते हैं क्योंकि 1:30 बजे होश में होते हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छा गाना बनाया और आई एम सो हैप्पी। आप लोगों ने गाना सुना होगा शायद, एकदम फिल्मी टाइप का गाना है, और मैं चाहूँगा कि आनंद सबसे शर्म करने वाला डायरेक्टर आए। आनंद प्लीज कम, DOP हमारे सर प्लीज आए। जय भाई साहब, DOP ऑफ द सॉन्ग, जय इज द DOP। और हमारे सबसे हैवी कोरियोग्राफर, 5 आदमी का भीड़ इतना अकेले संभाला, तो इसको कितनी तकलीफ आई। मुझको डांस पहले मैं करने वाला था गाना, कोई भी नहीं था टिकटॉक, खाली मैं करने वाला था, फिर मैं डांस नहीं कर पाया तो फिर उन्होंने दूसरे को लिया। धनश और एक और लड़की है, वो रोज अलग अलग स्टाइल के बाल बनाती तो हम लोग उसको भूल जाते, उसका नाम है मैगी। एक्सपीरियंस था क्योंकि ये बेचारी लिंकिंग रोड से लेकर हर जगह जाके कपड़े ढूंढ ढूंढ के लाई, उसके बजट बहुत कम था ना, हम लोग को 20-20 रुपए वाले कपड़े चाहिए थे जिसको सच के पे। मैगी पहले पहले कोरियोग्राफर बात करेगी फिर ऑटो डायरेक्टर को बात करें तो बात देखो आप ये। सो जो कोरियोग्राफर होती है वो ग्रूव भी कराती है एंड वो मूव भी कराती है, एंड ये जो पूरी टीम है कि मतलब मैं पूछना चाहूंगी कि इनको नचा के आप कितना नाचे? आई थिंक मेरे से ज़्यादा राज सर और आनंद नाचे, बट काफ़ी नाचे वी डिड 2 डेज ऑफ रिहर्सल, और वो एक्चुअली बहुत कम होता है, बट हमारे जो आर्टिस्ट है वो बहुत एंथुजियास्टिक थे, बहुत एंथुजियास्टिक थे, वो आए लर्न किया, बहुत सारी मस्ती की है, बहुत डांट भी पड़ी है राज सर से, मेरे से, आनंद सर से, सबसे। निशा स्माइलिंग ओवर देयर, शी नो गौरव पारेख फ्रॉम बॉम्बे अड्डा, मैं चाहूंगा वो यहाँ आए। गौरव स्पेशल थैंक्स टू गौरव, वी हैव बीन एसोसिएटेड फ्रॉम लास्ट 10 इयर्स शायद साथ में हम आओ यार ऐसा नहीं, गौरव इधर आएगा। आई वॉन्ट ऑल द स्टार जो जो अदनान निशा सारे आओ इधर प्लीज कम, ही इज द मैन। हम शायद 10 साल हो गए, 15 साल भूमि त्रिवेदी से अपने साथ शुरू किए, एंड वी हैव बीन लाइक ब्रदर्स, एंड आई एम हैप्पी कि आनंद गॉट एसोसिएटेड विद अस। आनंद भाई आओ, और जो जो जुड़ा हुआ है गाने से सब आओ। आनंद ग्रुप फोटो करवा दे, ग्रुप फोटो। आनंद भाई वीडियो मत बजा, गाना बजा। यास्मीन
और चावला मिसेस आनंद भी यहाँ पर आए हैं, वो अपने फोटो बना रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा रोज, नहीं तो तेरी फोटो मैं यहाँ लिंक कर दूंगा, तुम लोग कैसे कैसे तुम सोचते हो फ्लाइट में यार। ओके थैंक यू। ये देखो इसकी वजह से ये गाना ना, ये तंजानिया आती ना ये गाना बनता, ना तंजानिया आती ना ये गाना बनता, डायरेक्टर बताएगा। अरे देखो अभी डायरेक्टर बताएगा मैम, आप थोड़ा पीछे आ जाइए, कि हमने इसको कितना तंग किया है, पेमेंट का चेक अभी रुका के रखे। बात तो करना पड़ेगा, हम लोग एक प्रॉपर्टी है उसका नाम है होली इन्वेजन, इस साल पांचवा साल है, तो हमको उसके लिए एक बढ़िया सा गाना बनाना था, तो मैंने पाजी को बोला यार होली पे एक गाना दो बढ़िया सा और अच्छा शूट करते हैं, और ऐसे में स्टोरी चालू हुई और ओम और दीक्षांत ने बहुत ही अच्छा ट्यून बनाया, फिर हम लोग इतने एक्साइटेड हो गए कि हमने सोचा होगा कि ऐसे छोटा मोटा फुटेज लेके गाना शूट कर लेंगे, हमने पूरा का पूरा उसको शूट किया, अच्छे से प्लान किया, अच्छे से रिलीज किया, फुल फ्लेजेंटली म्यूजिक वीडियो बनाया, और देसी म्यूजिक एनीवेज बाजी काम कर ही रहे थे, तो उसका लॉन्च भी हो गया और गाना तो आप देख ही रहे हो, और ऑफकोर्स चार पांच गाने आए हैं होली के, लेकिन जितना कॉन्फिडेंस है कि टाइम में सबसे ज़्यादा पॉपुलर गाना यही होने वाला है। वो लग ही नहीं रहा था हम लोग क्योंकि अब शूट कर रहे, वो पूरे शूट में आई थिंक सबसे ज्यादा वर्कआउट मैंने ही किया, मेरे भाई बन के कंधे से कंधा मिलाया, सभी ने सभी अदनान भाई, लक्ष्मी भाई, मेरा निशा, हमारी मूना, मूना ना, मूना भाई, दो हमारे दानिश और सना आ रहे, वो क्या थोड़ा रोमांटिक कपल है ना, तो लोगों टाइम लगता है, और अब तक हम एक बार गाना सुनेंगे वापस, और शायद अब मैं भी नाच लूंगा अभी तुझे, और सबसे पहला आगे डायरेक्टर नाचेगा, पीछे डीओपी नाचेगा, ये लोग नाचे नहीं, लोगों ने नचाया है, और धनश्री खबरदार तू नाचे, क्योंकि क्या हम लोग को स्टेज बहुत दिखता है। ओके थैंक यू। We'll be right back.
बनाने में दो लोग हमको मिल गए अभी। एक ट्रैफिक पुलिस पकड़ के इनको यहाँ पे लाई है। डांस और सलाम। ये लोग ने अड्डा सुना तो कुछ दूसरे अड्डे पे चले गए। बॉम्बे अड्डा पे आना था भाई। सॉरी नहीं सूरी नाम है मेरा भाई। तो ये सबसे खूबसूरत कन्या सना और नहीं और भी मैं भी अच्छा दिखता हूँ वैसे। और दानिश मजे ले। दानिश भाई ने लेट किया कि इसने तेरे को लेट किया? सच सच बता। आप बताओ किसने किया होगा? पक्का बताओ आप। सना के दांत थोड़ा दर्द है तो कम बोलेगी। ऐसे मेरे को बोला था बोलने के लिए तो मैं चाहता हूँ जितना भी दर्द है उतना बोले क्योंकि बहुत दिया। बहुत अच्छी डांस किया इन्होंने। इनको आता नहीं है फिर भी किया। फर्स्ट टाइम बोल लो पब्लिक को। देखो सो बहुत टाइम लगा दिया इन्होंने सुनाने में अपनी आवाज। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लविंग अस अ लॉट। और गाने का रिस्पॉन्स आप लोगों ने देखा ही है, बहुत मजा आ रहा है। और माई सेल्फ सिंगर कंपोजर बट एज एन एक्टर मैं फर्स्ट टाइम किसी गाने में एक्ट किया हूँ और डांस भी किया हूँ। बहुत गंदा था। मैंने मैंने पाजी से खुद बोल दिया था जो डांसिंग वाले सीन है ना वो कट कर देना मेरे साइड में। तो मुझे एज एन एक्टर जैसे आपको यूज करना कर सकता है। लेकिन हाँ तो रैप वाला पार्ट बहुत अच्छा था क्योंकि बचपन में कॉफी रैप करता था। तो पाजी के लिए बात की नजाकत को जरा समझने की कोशिश कर। रंगीन ये जो समा हुआ है हो रहा इसका असर। थैंक यू सो मच गाइस। बाकी क्वेश्चन सना के लिए। सो आई वुड लाइक टू आस्क सना, मतलब आपके इंतजार में हम हो गए फना, फाइनली वी हैव सना। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी आपके को स्टार्स हैं, कितना मजा आया आपको काम करके एंड वो जो ओवरऑल फील होता है ना कि हाँ होली का गाना आ गया है, वो फील आप शेयर करिए। लग रही नहीं था कि शूट हो रहा है, मैंने इतना मजा ले लिया। और डांस तो फर्स्ट टाइम किया, पता नहीं क्या। द बेस्ट डांसर अवार्ड गोज टू मी। मुझे आप सबको भी बहुत अच्छा लगा। तो फिर चेक डांस किया। और दानिश भाई पूछू ओवरऑल फील है बहुत ही वाइब्रेशियस मर्क्यूरियल एंड फुल ऑफ एंथुसियाज्म है। एंड मैं मीडिया को बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी और दोबारा शुक्रिया करना चाहूंगी और उनसे भी बोलना चाहूंगी लाइक शेयर सब्सक्राइब देसी रिकॉर्ड्स। ये हमारा मतलब ये गाने को सपोर्ट करिए एंड अब हम केक काटेंगे। सो इस ब्लिसफुल जर्नी के लिए थैंक यू एंड वन ऑन वन इंटरव्यूज भी आप तैयार हैं तो आप आपके फेवरेट आर्टिस्ट का ले सकते हैं। एंड सभी स्टार्स थैंक यू यास्मीन, थैंक यू मुन्ना, थैंक यू निशा, थैंक यू दीपांशु, दानिश, सना, सभी को तहे दिल से शुक्रिया एंड तापसी का भी शुक्रिया हमारे साथ हमेशा जुड़े रहे। थैंक यू। थैंक यू। तापसी 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 तापसी। वेट 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 गाइस। अरे तेरे को पैनिंग वैनिंग किए ना तो अलग से ले जाके चल। थैंक यू।
थैंक यू। रंग लगाया तूने ऐसे सुनरिया रंग अरे उतने ही मिलेगा भाई कुछ भी करेगा। अरे अदनान भाई इधर भी थोड़ा सा नर्वस भी हो जाती है क्योंकि उसका फर्स्ट लॉन्च है तो उसके बिहाफ पे कुछ मैं भी बोल देता हूँ। अभी ये फर्स्ट लॉन्च है, फर्स्ट सॉन्ग लॉन्च हुआ है तो उसके लिए शी सो हैप्पी है। बाकी आपको कैसा लग रहा है अपने बच्चे का एक्साइटमेंट बता दो थोड़ा बहुत। डोंट बी नर्वस। इस गाने को लेकर मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने फर्स्ट टाइम इतने लोगों के साथ काम किया और बहुत ही अच्छा लगा। फ्रेंडशिप भी हुई कुछ लोगों से और मज़ा भी बहुत आया। मतलब शूट के टाइम लगा नहीं कि हमने शूटिंग किया है, मतलब मस्ती में ऐसे निकल गया शूट। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मैं रैप सुना देता हूँ। बात की नज़ाकत को ज़रा समझने की कोशिश कर, रंगीन ये जो समा हुआ है हो रहा इसका असर।
और रंग लगाया तूने ऐसा चुनरिया रंगीली हो गई। थैंक यू सो मच उधर आना है। अच्छा मेरा कोई एक बूमरैंग निकाल दो उधर से। एंड माय नेम इज निशा गुरागाई, सब्सक्राइब टू वायरल बॉलीवुड। एक्चुअली मेरा फर्स्ट एल्बम नहीं है, काफ़ी एल्बम आ चुके हैं मेरे, 3 से 4। ऐसा नहीं है सिर्फ अदनान के साथ है, सब लोग ही एक ही स्टेज पे हैं वहाँ पे, तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी अदनान के साथ है, सब लोग टिकटॉक स्टार है उसमें, अदनान, दानिश, सना और आमिर अरब तो सबके साथ काम किया तो बहुत अच्छा लगा। एंड सब मेरे फ्रेंड्स है और डांस भी कर रहे थे ऊपर। हाँ बिकॉज वो डांस वाला गाना है, जब भी वो गाना चालू होता है तो अपने आप ही डांस आता है। आपके वीडियोस भी देखते हैं, अच्छे बहुत अच्छा रिस्पांस आता है, तो क्या कहना चाहेंगे आपके फैंस को, क्या कहना चाहेंगे और किस तरह आप सेलिब्रेट करते हैं? मेरे फैंस को सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहूँगी मैं, उन लोगों के कारण ही मैं यहाँ पे हूँ अभी। सो आई लव यू ऑल। और टिकटॉक से मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला है, वहीं से मैं मेरी लाइफ स्टार्ट हुई है, तो टिकटॉक स्टार तो मैं हूँ, इससे पहले मैं टिकटॉक स्टार हूँ, उसके बाद ही हूँ, तो मैं टिकटॉक, आई लव टिकटॉक। फैमिली पहले, एक्चुअली पहले स्टार्टिंग में तो टिकटॉक बनाना अलाउ नहीं था हमारे फैमिली में, ये सब अलाउड ही नहीं है, तो धीरे धीरे लाइक्स बढ़ते गए तो मम्मी बोलती थी मत बना, ये सब हंसते हैं लाइक ऐसा। फिर जब इतना मुझे काम आने लगा, प्रमोशन आने लगे तो मम्मी ने बोला अच्छा है, देन धीरे धीरे ग्रो किया एंड एल्बम्स आ गए, तो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। आज कोई नहीं है कि कोई बोलता है कि नहीं ये गलत है और कर और आगे बढ़, तो सब सपोर्ट करते हैं मुझे भी, बहुत अच्छा। और आपका शूटिंग के टाइम कैसा था एक्सपीरियंस वर्किंग विद और बहुत बड़े स्टार्स हैं, पूरे टिकटॉक के स्टार्स, मतलब टिकटॉक बोले तो बहुत आजकल बहुत फेमस ऐप है और बहुत स्टार्स भी हैं, तो कैसा था आपका एक्सपीरियंस वर्किंग विद देम? सब लोग ही बहुत अच्छे थे, अदनान, दानिश और सना जो कि मेरे बहुत क्लोज हैं, और शूटिंग के दौरान बहुत ही मस्तियाँ हुई है, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। दानिश सना अदनान ने तो बहुत ही मस्ती की मेरे साथ, बोर नहीं होने दिया, सुबह से 11 बजे तक, मॉर्निंग के 7 बजे से 11 बजे हमारा शूट था, और जब 11 बजे के टाइम पे भी हम ऐसा हो रहा था कि और करें, मतलब बोर नहीं हुआ हमें एक दूसरे से, तो बहुत अच्छा लगा। नहीं उनमें से कोई नहीं था, सिर्फ अदनान था टीम 07 में से, तो अच्छा था। होली अभी वैसे सॉन्ग तो कर ही लिया है आधा है, होली तो मेरा बन गया है पहले ही, तो अभी होली के दिन कुछ ऐसा प्लान नहीं है, लेकिन देखते हैं कुछ ट्राई करते हैं अगर चल। मैं बोलना चाहूँगी फ्यूचर तो अभी उन लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, क्या पता अभी मैं यहाँ भी जा सकूँ। टारगेट बहुत बड़ा है, अभी उसे देखते हैं कैसे जाता है। चाहती हूँ कि मैं बहुत ऊपर जाऊँ एंड ऐसे ही प्यार देते रहो मुझे। आई लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच। अगला वीडियो अच्छा ही आने वाला है, कुछ इंटरेस्टिंग है उसमें, कुछ अलग है बस। हाय माय नेम इज़ यास्मीन पठान और आप देख रहे हैं वायरल बॉलीवुड। थैंक यू। कैसा था आपका एक्सपीरियंस, क्या कहना चाहेंगे आज के, मतलब कितना धमाल मचने वाला है मतलब पार्टी, क्योंकि आपका एल्बम भी रिलीज होने वाला है? जी मेरा पहला सॉन्ग है इनके साथ, ज़्यादा जो टिकटॉकर्स हैं जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, तो आप देख ही रहे हैं इनकी पार्टी, ऑब्वियसली आप लोगों ने तो पहले अटेंड किया होगा, तो इनकी पार्टी कैसे होती है अभी से आप माहौल देख रहे होंगे, तो ऊपर क्या धमाल होने वाला है, तो अब आई कैन नॉट इमेजिन कि कैसा था एक्सपीरियंस वर्किंग विद अदनान एंड मोस्ट ऑफ द टिकटॉक स्टार्स भी है पूरे गाने में, कैसा था एक्सपीरियंस आपका? एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा था, और जैसे कि मैं कह रही हूँ कि अदनान को मैं काफ़ी टाइम से जानती हूँ, तो ही इज़ वेरी लाइक बहुत फन है, मतलब उसके साथ काम करना, और भी बाकी लोगों के साथ मैंने काम किया है, तो मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि हम किसी को एक्टर के साथ कर रहे हैं या किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ मैं कर रही हूँ, बिकॉज आई एम अ मॉडल, और एक फैमिली की तरह फील हुआ। कब शूट स्टार्ट हुआ, कब ख़त्म हुआ, ऐसा लग रहा था कि मैं एक होली पार्टी में आई हूँ, एक इवेंट है और जहाँ हम सिर्फ खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो ये सबका नेचर बहुत अच्छा था, सबके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। शूट के टाइम पर किस तरह मतलब एंजॉय किया आपने, क्योंकि डांस भी था, होली का रंग भी, मतलब जैसे कि हमने वीडियो देखा बहुत सारा मस्ती कर रहे थे आप, कितना एंजॉय किया? शूट से पहले हम लोग कंटिन्यू रिहर्सल कर रहे थे, रात भर हमने रिहर्सल किया और सुबह अर्ली मॉर्निंग शूट था 7 बजे, तो अदनान हम लोग सब साथ ही गए थे, तो अदनान तो जाते ही सो गया था, हम रेडी हो रहे थे, उसके बाद अदनान जब उठा
उसके बाद जो फन चालू किया, सबके साथ मस्ती, किसी को भी धक्का दे देना, करन लगा देना, तो हमें ऐसा लग रहा था कि हम शूट, क्योंकि बहुत नेचुरली आप देखोगे जब वीडियो तो आपको बहुत नेचुरल फील होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है हाँ डांस है हमारा पूरे वीडियो में, बट आप देखोगे लोग जैसे होली में इंजॉय करते हैं, कलर लगाना, मस्ती करना, बिना ये सारी चीज़ें देखे कि कहाँ क्या हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो हमने बहुत इंजॉय किया और सब ने फ़न किया, एक फैमिली की तरह हमने काम किया है। अदनान के साथ काम करना, और हाँ अदनान तो काफ़ी फ़नी है और ऑब्वियसली, और उसके साथ काम करना, मैंने अदनान को काम करते हुए देखा है कि वो जब भी कुछ भी काम करता है तो वो उसमें घुस जाता है। इवन उसका जब बदनाम जो उसका गाना था, तब मैंने उसका देखा था कि उसको एडिटिंग, उसको हर एक चीज़ की नॉलेज है, उसको एक्टिंग, लोकेशन, मतलब ही इज़ लाइक अ कंप्लीट स्टार ही बोलेंगे, ऑब्वियसली इज़ अ कंप्लीट एक्टर, इज़ अ कंप्लीट स्टार, जिसको सारी नॉलेज है। अगर मुझे कभी किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत होती है इन इंडस्ट्री, तो ही इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, तो मैं हमेशा अदनान से पूछती हूँ कि अदनान एडिटिंग का मुझे समझ नहीं आ रहा है, या अदनान मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। ही इज़ अ वेरी हेल्पफुल मैन, मुझे बहुत अच्छा लगा अदनान के साथ काम करके, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हैप्पी होली एवरी वन। एंड मैं बस ये कहना चाहूँगी कि 10 तारीख को होली आ रही है, रंग लगाया तो इन्हें ज़रूर सुनिए, और बिंदास होली खेलो क्योंकि होली है, और यही सबको कहो कि बुरा ना मानो, होली है।